सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज SJ कैमरा का एक नया कैमरा हम अनबॉक्स करने वाले हैं। मैं रिव्यू करने वाला हूँ और डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो नया एक्शन कैमरा है थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली जो SJ कैम के आते हैं वो हमें जो GoPro वाले एक्शन कैमराज की आदत है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट, कुछ यूनिक है, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में वीडियो करते हैं। और ये 4K 30fps एक्शन कैमरा है, 6x जायरो है, काफ़ी फीचर्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज़, बट उससे पहले जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो अगर आप बॉक्स में देखोगे ऐसा लगेगा कि दो कैमरास हैं, बट ये दो नहीं है, एक ही कैमरा है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो जैसे ही मैं बॉक्स को ओपन करता हूं तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, दो यूनिट्स हैं। अब ये दो अलग अलग कैमरा नहीं है, मेन जो कैमरा है ना वो ये यूनिट है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले भी है, और साथ में जो हमें ये दूसरी चीज मिलती है ये क्या है, ये एक बैटरी एक्सटेंशन है। तो आउट ऑफ द बॉक्स SJ कैम C300 कुछ इस तरीके से मिलता है। एक तो है प्रॉपर कैमरा यूनिट है और इसका फॉर्म फैक्टर काफी सही है, काफी यूनिक है, बट साथ ही साथ आपको ये एक्स्ट्रा बैटरी ग्रिप भी मिलती है, जिसको अगर आप इस कैमरा के साथ अटैच करोगे तो इस तरीके से आपका एक कॉम्बो बन सकता है जिसको आप ब्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ बढ़िया है, अगर आप ये नॉर्मल स्टैंडर्ड बैटरी यूज़ करोगे 1000 mAh की है, बट ये जो एक्सटेंडेड बैटरी है ये 2800 mAh की है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अप टू 6 hours फुल HD में बैकअप मिल सकता है। तो अगर आप लॉन्ग शूट करना चाहते हो ये एक्सटेंडेड ग्रिप वाला वर्जन आप ले सकते हो, एल्स नॉर्मल कैमरा इज़ गुड इनफ। और नीचे की तरफ यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है, जिसका मतलब है कि इसको आप सी टाइप से चार्ज कर सकते हो, तो काफ़ी सही है, पुराना वाला USB नहीं है। और यहाँ पे बटन है जिसको प्रेस करने से मैं इस तरीके से बैटरी को हटा सकता हूँ। अंदर की तरफ यहाँ पे SD कार्ड स्लॉट है, जहाँ आपका कार्ड डलेगा और फिर वापस आप बैटरी लगा के इस तरीके से बंद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर ऑनेस्टली इतनी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगा था कि इतने छोटे से बॉक्स में इतनी एक्सेसरीज होंगी, जिस वजह से मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक एक करके आपको दिखाता। तो सबसे पहले हैं ये स्टिकर्स, दो स्टिकर हैं अगर आप हेलमेट वगैरह कहीं लगाना चाहो। उसके बाद ये क्लीनिंग क्लॉथ है जो ऑब्वियसली आपके काफी काम आएगा। उसके बाद ये कुछ एडहेसिव टेप्स हैं। उसके बाद अपने पास ये दो माउंट्स हैं, कर्व्ड, एक कर्व्ड है एक फ्लैट है। उसके बाद है अपना ये सी टाइप केबल। तो ये चीज़ बढ़िया है कि जो अपना SJ कैम C300 है वो सी टाइप से चार्ज होगा। तो अब यहाँ पे मुझे चार माउंट्स मिलते हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला है ये क्लिप वाला माउंट। अब इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है, इस तरीके से मैं अपने C300 को लगा दूंगा। अब ये जो क्लिप है ना, इसको आप इजीली अपने टी शर्ट में, शर्ट्स में या कैप में या जहाँ पे भी आप लगाना सकते हो ये लगा सकते हो। उसके बाद दूसरा ये वाला क्लिप है। अब ये बेस माउंट है, इस तरीके से मैं लगा के नीचे मुझे अगर इसको हेलमेट पे या गाड़ी में कहीं भी माउंट करना है आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक और ये केस है, अगर आप प्रॉपर हाउसिंग चाहते हो तो इस तरीके से हाउसिंग वाला केस है, जिसको अच्छे से पूरा टाइट करके आप अनमाउंट कर सकते हो। देन यहाँ पे हमारा C300 चले जाएगा एंड इस तरीके से मैं इसको लॉक कर सकता हूँ। तो अगेन ये भी सेम काम करेगा जो हमारा नॉर्मल ये क्लिप था। उसके बाद ये लास्ट है वाटरप्रूफिंग केस। अब ऑब्वियसली स्टैंड अलोन ये जो C300 है वाटरप्रूफ नहीं है, बट इस केस के साथ आप 30 मीटर्स तक वाटरप्रूफ लेके जा सकते हो। तो अगर आप पानी के अंदर, स्विमिंग पूल में कहीं भी चाहते हो कि एक्शन कैमरा आपको लेके जाना है, और अब ये जो केस है ये वाटरप्रूफ हो चुका है अप टू 30 मीटर्स। बाकी और काफ़ी SJ कैम की एक्सेसरीज हैं जो आप अलग से खरीद सकते हो। तो SJ कैम ने मुझे ये 5-6 एक्सेसरीज भेजी थी, बट दो सबसे यूजफुल जो मुझे लगी, सबसे पहला है ये रिमोट। तो रिमोट आप यूज़ कर सकते हो अपने, जैसे पीछे ना माउंट दिया हुआ है, साइकिल पे या बाइक पे आप इजीली लगा सकते हो, इवन आप फिंगर पे लगा सकते हो। यहाँ से आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है, फोटो रिकॉर्ड करनी है, ऑन एंड ऑफ करना है, ये सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी, आप सीधा अपने SJ कैम को कनेक्ट करके रिमोटली भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दूसरी जो बढ़िया चीज़ मुझे लगी वो है ये मैग्नेटिक माउंट। तो इस तरीके से मान लेते हैं मुझे POV वीडियोस बनानी है, तो इस तरीके से मैं इसको अपने गले पे पहन सकता हूँ और अब जो मेरा एक्शन कैमरा है वो इस तरीके से फिट हो जाएगा। और मैग्नेटिक है तो मान लेते हैं ये वाला जो यूनिट है मैं टी शर्ट के अंदर डालना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये चला गया टी शर्ट के अंदर और अब ये जो मैग्नेटिक माउंट है इस तरीके से लग जाएगा। तो मैं बहुत फ्रीली POV वीडियोस बना सकता हूँ, मुझे वो वेस्ट वाला जो पूरा सेटअप होता है वो सब नहीं चाहिए इस तरीके से। अगर मेरे को POV वीडियोस बनानी है कैमरा यूज़ करते हुए रील्स के लिए, वो सब आप इस माउंट से इजीली कर सकते हो। तो अब मेरा ये कैमरा ऑन हो चुका है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया बेनिफिट मुझे क्या मिलता है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इस बटन को डबल टैप करता हूँ तो अब जो इसका डिस्प्ले है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे कैमरा है। तो अब ये मेरी तरफ शिफ्ट हो चुका है कैमरा। तो एट द सेम टाइम दोनों डिस्प्ले नहीं
चलते बिकॉज ऑब्वियसली बैटरी कंज्यूम करेगा, बट ये चीज़ बढ़िया है कि मान लेते हैं अगर मैं फ्रंट कैमरा से देख के व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली देख पा रहा हूँ कि डिस्प्ले में क्या है, वही अगर मुझे मान लेते हैं कि फ्रंट कैमरा नहीं देखना मुझे, अब जो मैं शूट कर रहा हूँ मुझे वो बैक डिस्प्ले पे चाहिए, तो इस तरीके से मैं पीछे के डिस्प्ले पे भी वो देख सकता हूँ। तो ये चीज़ बढ़िया है कि आप इसको एज अ व्लॉगिंग कैमरा भी यूज़ कर सकते हो, बिहाइंड द कैमरा भी आप रहते हो तो भी यूज़ कर सकते हो, और दोनों में स्विच हो सकता है। और इस ग्रिप का एक बेनिफिट ये हो जाता है कि नॉर्मल एक्शन कैमरा की तरह आपको ऐसा पकड़ के नहीं चलना पड़ता, ये आपकी एक ग्रिप बन जाती है, तो व्लॉगिंग के लिए बहुत ईजी है। एंड आई थिंक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो व्लॉगिंग में, आप थोड़े से कैमरा शाय हो, तो आप ये सेटअप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज छोटा सा डिवाइस है, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप बड़ा कैमरा या फ़ोन लेके चल रहे हो, इस तरीके से आप लेके चल सकते हो, और एक कॉम्पैक्ट सेटअप बन जाता है जिसमें माइक्रोफोन भी है, कैमरा भी है, आपको अलग से कुछ अटैच नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं इसके UI और टच की बात करूँ तो UI काफ़ी सिंपल है, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऊपर से मैं स्क्रोल करूँगा तो मुझे सारे बेसिक ऑप्शंस मिल जाएंगे, नीचे से अगर मैं स्वैप करता हूँ मुझे सारे मोड्स मिल जाते हैं, वीडियो है, वीडियो लैप्स है, कार मोड है, देन लाइव ब्रॉडकास्ट है, आप इसमें लाइव भी कर सकते हो, देन वापस अगर मैं जाता हूँ, देन यहाँ पे स्लो रिकॉर्ड भी अगर आप स्लो मोशन करना चाहते हो। उसके बाद अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ, फोटोज़ में जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन हमें मिलता है वो 20 मेगापिक्सल है, देन आपके पास यहाँ ऑप्शन है, आप 16 मेगापिक्सल, 14, 12 ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं 2 मेगापिक्सल, बट ऑब्वियसली हम तो हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे ही क्लिक करेंगे तो 20 मेगापिक्सल हाईएस्ट है। देन बर्स्ट मोड है, फोटो लैप्स है, सेल्फी टाइमर, एक्सपोजर टाइमर, ये सारी एक्सपोजर और कलर, ISO, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे एडजस्ट करने को मिल जाती हैं। तो यस, आपको जो प्रो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। देन यहाँ से अगर मैं वीडियो मोड पे शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे वीडियो में जो रेजोल्यूशंस हैं वो हाईएस्ट 4K 30fps है। देन अगर आपको 60fps में शूट करना है तो 2K में आपको हाईएस्ट रेजोल्यूशन मिलेगा, 1080p में आप 120fps तक स्लोमो शूट कर सकते हो, और ऑब्वियसली अगर मैं 720p पे जाऊँगा वहाँ पे भी 120fps है। तो 2K में आप 60fps या 4K में आप 30fps पे शूट कर सकते हो। सैम्पल्स में आपको कुछ दिखा देता हूँ। तो अभी मैं सैम्पल ले रहा हूँ 4K 30fps पे बैक स्क्रीन का यूज़ करके, जहाँ पे मैं पीछे से देख पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो अभी सन जो है वो इस साइड पे है, तो एक बार डायनामिक रेंज देख लेते हैं कि कैसे है इसकी। नीचे थोड़ा शैडो है, ऊपर ब्राइट एरिया है, और ये वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू है, सो दैट अगर आप व्लॉगिंग के लिए कैमरा देख रहे हो आपको आइडिया लग जाएगा कि इतना वाइड है, सो हाउ डज इट परफॉर्म। एक बार स्काई भी देख लेते हैं, यहाँ पे सनलाइट है, एंड अगर मैं एक्सपोजर कंट्रोल देखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से ये कंट्रोल कर रहा है। और अभी एक चीज़ बढ़िया है, माइक जो है ना वो पीछे की तरफ है, तो इस तरीके से मैं चलते हुए बोल रहा हूँ तो आप सुन पा रहे हो, बट डिफरेंस कहाँ आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं फ्रंट वाले डिस्प्ले को यूज़ करके इस तरीके से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अगेन ये वाइडेस्ट एंगल है, तो आर्म मैंने पूरा स्ट्रेच किया हुआ है, सो दैट आपको आइडिया लग जाए अगर आप ब्लॉगिंग के लिए ये कैमरा देख रहे हो C300 तो कैसा परफॉर्म करता है। सनलाइट अभी मेरे एकदम सामने है। मैं माइक के बारे में बात करूंगा, बिकॉज माइक जो है वो सिर्फ एक ही है जो पीछे की तरफ है, जिस वजह से आपको जब मैं रियर कैमरा में बोल रहा था और अब जो बोल रहा हूँ कुछ फ़र्क लगेगा, क्यों? बिकॉज माइक पीछे की तरफ है तो नॉइज़ ज़्यादा कैप्चर करेगा। आई विश आगे की तरफ माइक होता वो बेटर था, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ड्रॉबैक लग रहा है। अदरवाइज़ स्टेबलाइजेशन इसमें है, मैं वॉक कर रहा हूँ तो एक बार इसका स्टेबलाइजेशन टेस्ट भी आगे करेंगे। बट बैकलाइट में अगर मैं इस तरीके से जाता हूँ तो डायनामिक रेंज कैसा है वो आपको देखने को मिल जाएगा, कि बैकलाइट में सन अगर आपके पीछे है तो ये कैसे परफॉर्म करता है, बिकॉज अभी एकदम पीक दोपहर का टाइम हो रहा है तो बढ़िया डायनामिक रेंज टेस्ट हो सकता है। और अब मैंने फ्रंट डिस्प्ले पे स्विच कर लिया। अगर आप व्लॉगिंग भी करते हो चलते हुए तो उसमें भी आपको इस सैंपल से आइडिया लग जाएगा कि व्लॉगिंग में वाइल वॉकिंग स्टेबलाइजेशन कैसा है। मुझे एक चीज़ बहुत बढ़िया लग रही है, जो इसका फॉर्म फैक्टर है ना, स्टिक टाइप जो डिज़ाइन है, उससे बहुत ईजी है एक तो व्लॉगिंग करना, दूसरा बहुत बल्कि नहीं है, एंड आई थिंक इतने लोग आपको नोटिस भी नहीं करते, मुझे अभी इतने लोग नोटिस नहीं कर रहे, ऑल्दो काफ़ी लोग हैं, बच्चे हैं, बट ये कहीं ना कहीं स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो तो ये फॉर्म फैक्टर आपको हेल्प कर सकता है वीडियोस बनाने में। और अभी ये वाला जो सैंपल है मैं 2K 60fps पे शूट कर रहा हूँ, जस्ट टू सी एंड शो यू द डिफरेंस कि 4K एंड 2K में कितना डिफरेंस है, क्योंकि अगर आपको 60fps पे शूट करना होगा तो आपको 2K पे ही जाना पड़ेगा, 4K में ऑप्शन नहीं है। और ये एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको 60fps पे करना है इस बजट में, ठीक है, आई थिंक नॉर्मली 1080p में आता है, 2K में मिल रहा है तो वो एक तरीके से अपग्रेड ही है इन टर्म्स ऑफ 60fps। और एक और बढ़िया मोड यहाँ पे है वर्टिकल वीडियो, तो वर्टिकल वीडियो अगर आप यहाँ से ऑन कर देते हो तो अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखाऊं तो वर्टिकल मोड में जाने से अब आप डायरेक्टली वीडियो वर्टिकल में शूट कर सकते हो। और इसका एक ही बेनिफिट है कि आपको एडिटिंग में
कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रेट आउट ऑफ दिस कैमरा वर्टिकल वीडियो निकाल सकते हो, जो बजट एक्शन कैमराज में मुझे बहुत कम देखने को मिलता है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो रेजोल्यूशन है वो 1080p पे ही मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा आप वर्टिकल में नहीं जा सकते। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये क्रॉप ही करके दे रहा है जो आप एडिटिंग में करते हो, बट इन कैमरा ये आपको वर्टिकल वीडियो दे रहा है। फिर यहाँ पे जायरो सेंसर भी आप एनेबल कर सकते हो। जायरो सेंसर ऑन करने से क्या होगा, 6 एक्सिस जायरो सेंसर है इसमें, उसका एक कंपेरिजन मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा दूंगा, अगर आपको कुछ डिफरेंस लगेगा आप कमेंट करके बता सकते हो, बाकी जो मैं अपना फाइनल व्यू है वो वीडियो के एंड में दूंगा। देन वीडियो में अगेन ये सारे ऑप्शंस हैं, बिटरेट एडजस्ट कर सकते हो आप, ISO, शार्पनेस, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, नॉइस रिडक्शन, काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें जो स्टेबलाइजेशन है जायरो जो ऑन करना पड़ेगा सेटिंग से, वो 1080p एट 120fps पे नहीं होगा, 60fps तक रहेगा। तो अगर आप स्टेबलाइजेशन प्रेफर कर रहे हो तो 120 पे नहीं होगा, स्लोमो हो सकता है बट वहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑफ होगा। एक सैम्पल लेता हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेबलाइजेशन ऑफ में 1080p 120p में क्या आउटपुट आता है। तो अभी इसमें स्टेबलाइजेशन का टेस्ट हम कर रहे हैं वॉक करते हुए 4K 30fps पे। तो जायरो स्टेबलाइजेशन मैंने सेटिंग से ऑन कर दिया था, 6 एक्सिस स्टेबलाइजेशन इसमें है, तो वही ट्राई कर रहे हैं, इस पाथ पे वॉक कर रहे हैं, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि इस तरीके से अगर आप वीडियोस करते हो वॉक करते हुए तो इसका स्टेबलाइजेशन परफॉर्मेंस कैसा है। पाथ है अच्छा खासा, तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि ये कैसे स्टेबलाइज कर रहा है वीडियो को। तो ये 120fps 1080p पे है, जायरो स्टेबलाइजेशन ऑफ है। कुछ आपको फ़र्क लग रहा है ऑन एंड ऑफ में या नहीं तो डू कमेंट एंड लेट मी नो, बिकॉज ऑन वाला आपने सैम्पल देखा होगा बट मैंने सोचा एक बार ऑफ करके भी देख लेते हैं, मुझे लगता नहीं इतना फ़र्क होगा। अच्छा, स्टेबलाइजेशन से थोड़ा फ़र्क आ जाता है, आप एडिटिंग में कर सकते हो स्पेशली अगर आप 120 में शूट करना चाहते हो। और ये है इसके वर्टिकल मोड का सैम्पल, जैसे आप देख सकते हो कि प्रॉपर वर्टिकल आ रहा है स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा, कुछ एडिटिंग करना नहीं पड़ा। तो ये बेनिफिट है अगर आप रील्स वगैरह भी इससे बनाना चाहते हो, कुछ कैप्चर करना चाहते हो, फ्रंट कैमरा ही नहीं अगर आप रियर कैमरा से भी ऐसा कुछ शूट करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो, स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा वर्टिकल में ही पूरा रिकॉर्ड होके मिलेगा। अच्छा, अगर इसमें आप ये जायरो सेंसर ऑफ कर देते हो ना, जो स्टेबलाइजेशन वाला मोड है, तो एक बहुत बढ़िया फीचर आ जाता है, साइड में प्लस एंड माइनस के आइकन्स हैं। तो इस तरीके से अगर मैं प्लस करता हूँ ना, देखो मैं जूम कर सकता हूँ माइनस करके जूम आउट, और ये काफ़ी स्मूथ हो रहा है, काफ़ी बढ़िया इफेक्ट देता है। मैं रेयर साइड पे अगर आपको करके दिखाता हूँ ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो देखो इस तरीके से अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये पूरा जूम करके मैं आपको ये वर्जन दिखा सकता हूँ। फिर जितना भी मेरे को जूम आउट करना है इस तरीके से माइनस पे प्रेस करके आप जूम इन जूम आउट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, और काफ़ी सही है स्पेशली अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो। अब इसमें इन टोटल 3 फील्ड ऑफ व्यू मिलते हैं, मतलब 3 ऑप्शंस हैं। ये सबसे वाइड है, इसके बाद 2 और हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ सेम फ्रेम में कि क्या डिफरेंस आता है। अब मैंने स्विच किया है मिडल फील्ड ऑफ व्यू पे, जो वाइड से हल्का सा नैरो होगा अगर आप कंपेयर करोगे पहले से। अब जो लास्ट है इसका जो सबसे नैरो है वो वाला मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये है नैरो फील्ड ऑफ व्यू जो सबसे ज़्यादा नैरो है, अगर आप सबसे पहला देखिए वो सबसे वाइड होगा, फिर उसके बाद थोड़ा मिडल पे गए थे ये नैरोएस्ट है। तो अगर आपको वो साइड में जो एजेस बेंड होते हैं वो हटाना है तो आप ये नैरो वाले मोड में शूट कर सकते हो। बट हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप नैरो या मिडल वाले मोड पे जाना चाहते हो तो आपको जायरो स्टेबलाइजेशन ऑफ करना पड़ेगा, जिसमें स्टेबलाइजेशन जो सेटिंग्स में ऑन होती है उसको डिसेबल करना पड़ेगा, जिस वजह से थोड़ा शेक आ सकता है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, घर जाके देखूंगा कि स्टेबलाइजेशन ऑफ है अभी और ये नैरो मोड पे है तो कुछ फ़र्क आता है या स्टेबलाइजेशन इज़ गुड इनफ इस प्राइस पॉइंट पे। तो ये तो थे कुछ वीडियो सैम्पल्स, अब फोटो के भी सैम्पल्स ले लेते हैं। इसमें 20 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो अभी लाइट भी है, कुछ फोटोज़ लेते हैं, देखते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। तो अभी ये थोड़ा सा इंडोर टेस्ट है, मतलब अगर आप लाइक कार चलाते हो इंडोर भी शूट करते हो। ऑडियो एक तो ऑब्वियसली माइक पीछे है वहाँ से आ रहा होगा, बाकी डायनामिक रेंज की भाई मेरे ऊपर शेडो है, पीछे ब्राइट पार्ट्स हैं तो वो कैसे आ रहे हैं तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी थोड़ा सा आपको सड़क भी दिखाते हैं कि कैसे ये एक्सपोजर को एडजस्ट कर रहे हैं। तो अभी इसका थोड़ा सा लो लाइट टेस्ट है, ये पार्किंग है तो यहाँ पे लाइट कम है और
फेयर आइडिया लग जाएगा कि भाई लो लाइट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी स्पेशली अगर आप ब्लॉगिंग के लिए देख रहे हो तो भी बढ़िया है, 4K में है, बट स्टिल नॉइस परफॉर्मेंस कैसा है। इवन अगर मैं रियर से थोड़ा दिखाता हूँ आपको, सो आपको आइडिया लग जाएगा लो नॉइस में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है लो लाइट में। अब थोड़ा इंडोर भी मैं टेस्ट करूंगा, वो भी दिखाते हैं। और ये है इसका इंडोर सैंपल। लाइट कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ ट्यूबलाइट है मेरे सामने और यहाँ एक विंडो है, दैट्स इट। इस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडोर वीडियो के लिए ये कैसा है। अगेन अगर मैं रियर कैमरा से आपको दिखाऊं, क्यों, बिकॉज माइक पीछे की तरफ है, तो इससे भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि भाई कैसा है लो लाइट में परफॉर्मेंस। एंड यस, ये है इसका लो लाइट परफॉर्मेंस, स्पेशली इंडोर अगर आप शूट कर रहे हो तो इस तरीके से कुछ फुटेज निकल रही है। तो ये थी वीडियो इस एक्शन कैमरा के बारे में, जो कि SJCAM C300 है। ओवरऑल इंटरनेशनली ये 10,000 से 12,000 का, इंडिया में भी अगर ये 12,000 तक का आता है, मुझे लगता है कि उस प्राइस पॉइंट पे सही है। क्वालिटी, आउटपुट, इवन फोटोज़ के लिए अगर आप देख रहे हो, 20 मेगापिक्सल में आप फोटोज़ ले सकते हो, 4K 30 FPS तक आप वीडियो ले सकते हो। इवन अगर आपको स्लो मोशन भी करना है तो 2K 60 FPS इज़ अ गुड ऑप्शन। और बढ़िया चीज़ मुझे लगे कि इसके साथ जो एक्सटेंडेड ग्रिप वाला वर्जन है, ये मुझे लग रहा है शायद 2,000 महंगा होगा, 15,000 तक का जा सकता है, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड बैटरी आती है। तो अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए शूट करने वाले हो, ये एक्सटेंडेड ग्रिप वर्जन काफ़ी यूज़फुल है। एक तो बैटरी 2800 mAh, बट उसके साथ साथ ग्रिप मिल जाता है और एक तरीके से पूरा व्लॉगिंग कैमरा बन जाता है, जिस वजह से आपको इसको कैरी करना भी ईजी होगा, ज़्यादा लोग भी नोटिस नहीं करेंगे। बस एक ड्रॉबैक मुझे इसमें लगा, जो कि है माइक एक ही तरफ है और कैमरा इस तरफ है, तो अगर आप कुछ दिखा रहे हो और अगर आप बोल रहे हो तो बढ़िया ऑडियो आता है, बट अगर आप अपनी वीडियो ले रहे हो तो ऑडियो उतना अच्छा नहीं आता और ये नॉइस कैप्चर करेगा, तो वो एक चीज़ है। बाकी आप लोग बताना आपको इसका आउटपुट कैसा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।